तो जितने भी झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट आ गया है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि आप लोगों का जो रिजल्ट है, अभी आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा करीब एक सप्ताह। जी हाँ, कुछ दिन पहले ही एक नोटिस आया था जिसके माध्यम से आप लोग को बताया गया था कि 20 से 21 मई में आप लोग का रिजल्ट आने वाला है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा था कि 31 मई यानी मई के अंत में आप लोग का रिजल्ट आने वाला है। वहीं एक रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी जो आया है इसमें बताया जा रहा है कि आप लोग का जो रिजल्ट है एक सप्ताह अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा आप लोग को। तो रिजल्ट कब आएगा उसके लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग का टेंशन हो रहा है, कब आएगा बेसब्री से आप सभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि CBSE बोर्ड का, बिहार बोर्ड का, सभी का रिजल्ट आ चुका है। अब इंतजार है सिर्फ और सिर्फ झारखंड बोर्ड का। तो आप लोग को बता दें कि 20 मई जो बताया जा रहा था, 20 से 21 मई में जो रिजल्ट आने वाला है वो शायद आप लोग का नहीं हो सकता है, क्योंकि इस रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक सप्ताह इंतजार करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप लोग का कि ये जो मई है, मई के अंतिम में आप लोग का रिजल्ट आएगा। वहीं आप लोग बता रहे थे पहले भी कि मई में आप लोग का पूरी तरह से कन्फर्म है कि फर्स्ट हो या फिर यानी मई के जो 20 से 31 के बीच में जो हो आप लोग का रिजल्ट आएगा। तो मान लीजिए आप लोग 31 मई तक रिजल्ट आप लोग का कन्फर्म होगा ही। ठीक है, जिस तरीके और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।